अब राजकीय स्कूलों में पढ़ने के लिए होनहार बेटे व बेटियों को राज्य सरकार की तरफ से टैबलेट दिया जाएगा। इस टैबलेट में विशेष सॉफ्टवेयर होने के साथ साथ नेट की सुविधा भी होगी। इन टैबलेट को विद्यार्थियों को स्पुर्द करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस टैबलेट को मुख्यमंत्री मनोहर लाल 5 मई को ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से वितरण करने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। अहम पहलू यह है कि प्रदेश भर में 5 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट दिया जाएगा। इनमें से कुरुक्षेत्र के लगभग 1930 विद्यार्थियों को टैबलेट दिया जाएगा। ये टैबलेट 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को दिया जाना है। फिलहाल ये टैबलेट 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को 5 मई को दिया जा रहा है। उपायुक्त मुकुल कुमार टैबलेट वितरण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आज लघु सचिवालय उपायुक्त कार्यालय में अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के समय महामारी के कारण जब स्कूल बंद हो गए थे, उस समय ऑनलाइन प्रणाली से शिक्षा ग्रहण करने का एकमात्र माध्यम बचा था। इस संकट की घड़ी में जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन थे, वह बच्चे ऑनलाइन प्रणाली से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और कुछ ऐसे होनहार विद्यार्थी भी थे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं थे। इस स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और शिक्षा मंत्री कंवर लाल ने होनहार बच्चों को टैबलेट देने की घोषणा की थी। इस घोषणा के अनुसार सरकार अब राज्य के स्कूलों के विद्यार्थियों को अब टैबलेट उपलब्ध करवाने जा रही है। इसके लिए अब प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन 5 मई को होने जा रहा है। इस 5 मई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ऑनलाइन प्रणाली से प्रदेश के 5 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित करने की प्रक्रिया का आगाज करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के आदेश अनुसार कुरुक्षेत्र जिले में भी ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन करके लगभग 1930 टैबलेट वितरित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियों के लिए जिला शिक्षा अधिकारी अरुण आश्री को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सभी जगहों पर कार्यक्रम की तैयारियां समय रहते पूरी करने के आदेश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय दूसरे गेट के पास राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल 5 मई को ऑनलाइन प्रणाली से बातचीत भी कर सकते हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी करने के आदेश दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी अरुण आशी ने कहा कि कुरुक्षेत्र के संस्कृत मॉडल स्कूल में थानेसर ब्लॉक का कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में राजकीय गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की लगभग 632 छात्राओं को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा लाडवा बॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 408, GSS शाहबाद में 411, GS गर्ल्स स्कूल पिहोबा में 211, राजकीय स्कूल मंगोली जाटान बबैन में 268 टैबलेट वितरित किए जाएंगे। ये टैबलेट प्रथम चरण में 10वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को वितरित किए जाएंगे। सभी स्कूलों में विद्यार्थियों से आईडी प्रूफ लेकर टैबलेट को तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है। इस मौके पर ADC अखिल पिलानी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सतनाम भट्टी आदि अधिकारी मौजूद थे। जो बच्चों को हम सरकार के द्वारा टैबलेट्स दिए जा रहे हैं, जो बच्चों की कोरोना काल में ये ऑनलाइन ई लर्निंग स्टडी चली है, उससे ये महसूस हुआ कि अगर बच्चों को हम गैजेट दे दें इस तरह के, और वो बड़े सोफिस्टिकेटेड होंगे और उसमें कोई ऐसा कंटेंट नहीं होगा जो अदर कंटेंट वो खोल पाएँ या अदर चीज़ें वो देख पाएँ, बड़े सेफ और सुरक्षित रहेंगे। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये महत्वाकांक्षी योजना लॉन्च की जा रही है और माननीय शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से हरियाणा के 10वीं और 12वीं के बच्चों को, जो वर्तमान में अब 10वीं 12वीं में आए हैं, 9वीं से 10वीं में आए, 11वीं से 12वीं में आए, ये योजना उन बच्चों पे लागू की जाएगी और उन बच्चों को सभी को बिना ये कि किसी वर्ग विशेष को ध्यान में रखते हुए नहीं, बल्कि सभी बच्चों को, और एक राज्य स्तरीय प्रोग्राम इस विषय में किया जा रहा है और हर जिले पर भी ये प्रोग्राम आयोजित होगा। इसके साथ साथ खंड स्तर पर भी जो विद्यालय अब चयनित किए गए हैं, कुछ विद्यालय हमारे क्षेत्र जिला के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाडवा को, हमारे शाहबाद में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाहबाद, और बबैन में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंगोली जाटान, तथा पेहवा में गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पेहवा को अतिरिक्त रूप में ये टैबलेट्स वहाँ के बच्चों को भी 10वीं 12वीं के दिए जाएंगे, जिनकी संख्या अगर हम जिले पे लगाएं लगभग सारे 2000 के करीब छात्र छात्राएं इससे लाभान्वित होंगी। जिला स्तर पर ये कार्यक्रम यहाँ गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जो LNJP हॉस्पिटल के पास स्थित है, वहाँ पे ये आयोजित होगा, जिसका लाइव इंटरेक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम से जुड़ेगा और उसमें 1-to-1 उसमें बातचीत भी हो पाएगी। खंड स्तर पर भी इस तरह की जो है
आयोजन किए जा रहे हैं जहाँ पे ये लाइव टेलीकास्ट होगा और वहाँ के बच्चे भी इस कार्यक्रम को देख सकेंगे, सुन सकेंगे। खबर नामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।